दोस्तों, आज हम सभी यहाँ बेला गांव में हैं, चिराई गांव से आगे इस आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, महिलाओं के लिए आज भारत विकास परिषद और आजाद आशा की एक किरण संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आज हमने यहाँ मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। और ये एक शुरुआत भर है, पहले भी हम जगह जगह गांव-गांव में जाके, खेत खलिहानों में जाके लोगों के बीच लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण करते आए। और हमारे बीच आजाद संस्था की और संरक्षक और भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर शुक्राधर जी मौजूद हैं। साथ में आप देख सकते हैं डॉक्टर कुमुद रंजन जी और जितने भी तमाम महिलाएं हैं यहाँ पे गांव की। आज यहाँ सभी अपने एनीमिया मुक्त भारत का जो हमने सपना देखा है और उसको साकार करने के लिए, आप देख सकते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं, दादी, ठीक हो दादी? देखा तो आज फोटो आवत हो, हैं? बढ़िया लगत हो एकदम, है ना? हाँ, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, क्या बोल रही हैं? हमारे शरीर में खून की जरूरत क्यों है, ये हीमोग्लोबिन की जांच से फायदा क्या है, जो हम जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं तो उसके लिए हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है आग जलते रहने के लिए, वैसे हमारे शरीर में भी जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है सब काम करने के लिए। तो उस खाना जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए, उससे एनर्जी लेने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ये ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ से हमारी पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में पहुंचता है। तो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी या जिसको कि कहते हैं कि खून की कमी होगी, तो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में नहीं पहुँच पाएगा, तो हमारे शरीर में हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो फिर हमको उससे परेशानी क्या होती है, थकावट लगती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है, नींद नहीं लाती है, यहाँ भारीपन लगता है, घबराहट बेचैनी होती है। तो और हम में से अधिकतर औरतों की ये बात होती है, अधिकतर औरतों में खून की कमी पाई जाती है, तो उसी चीज़ के लिए ये जांच की जा रही है, बिल्कुल फ्री में आपकी जांच है, उसका एकदम रिपोर्ट आपको अभी बता दिया जाएगा। अगर किसी में कमी होगी तो जो हम लोग थोड़ी मोटी दवा भी ले आए हैं उनको दे भी दिया जाएगा, नहीं तो अगली बार आएंगे तब, और नहीं तो बहुत ज़्यादा कमी होगी तो दवा लिख दिया जाएगा, ठीक है? और आप लोग गांव में रहती हैं, गांव में ऐसी बहुत सी चीज़ है जो कि हम खाएं और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, सबसे अधिक जरूरी।